हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स निकालना 48 के। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 48, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, देखेंगे हमारे पास 48 नंबर है, इसका लास्ट डिजिट चेक करें कि क्या है, 8 है, ठीक है। 8 है तो हमने फैक्टर डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे 2 लें, 3 लें, क्या क्या लें, ठीक है। तो आपने 2 छोटे से स्टार्ट करना होता है, यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो आपने यहाँ पे 2 ले लेना है। 2 कितनी ज़ार 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार। अब 2 के टेबल में 8 आता है, यस। 2 कितनी ज़ार 8 होता है, 2 4 ज़ार। अब फिर लास्ट डिजिट चेक करें, आपके पास है 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक है। 2 कितनी ज़ार 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ार। 2 कितनी ज़ार 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार। आप फिर लास्ट डिजिट चेक कर लें, हमारे पास आ रहा है 2, तो आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यस। 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। 2 कितनी ज़ार 12 होता है, 2 6 ज़ार। फिर चेक करें, हम यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास है 6, 2 के टेबल में 6 आता है। 2 कितनी ज़ार 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ार। अब 2 के टेबल में 3 आता है, नो, हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। नेक्स्ट सोचें, 3 हम ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है। एक ये बात, और एक ये बात भी कि 3 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 1 के टेबल में और अपने टेबल मतलब 3 में ही आता है, तो 3 वन ज़ार 3 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके फाइंड आउट करेंगे, 48 के। 48 लिखा, और अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप यहाँ पे लिखें 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। तो इस तरह हमने प्राइम फैक्टर्स निकालिए 48 के, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।